ब्रेक के बाद खबर हरियाणा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब खबर झज्जर से है। झज्जर के सिलाना गांव के पास मौजूद एक निजी स्कूल से एक सातवीं कक्षा की छात्रा के गायब होने का मामला सामने आया है। परिजनों की माने तो छात्रा स्कूल पहुंच गई थी, लेकिन वो स्कूल के बाद घर नहीं पहुंची। हैरानी की बात तो ये है कि स्कूल प्रशासन छात्रा के स्कूल में न आने की बात कह रहा है, जबकि परिजन साफ साफ कह रहे हैं कि छात्रा स्कूल के अंदर से ही गायब हुई है और स्कूल से छात्रा की साइकिल भी बरामद हुई है, जिससे वो हर रोज स्कूल जाती थी। परिजनों का ये भी कहना है कि स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी छात्रा की फुटेज है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर स्कूल प्रशासन क्यों छात्रा के स्कूल से गायब होने की बात को नहीं स्वीकार रहा है। अच्छा, कब गायब हुई वो? सोमवार के दिन। अच्छा, सब कुछ से गायब हुई है सर। अच्छा, स्कूल वाले क्या कह रहे हैं? स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि हमने रास्ता आई नहीं, हमारे स्कूल में रास्ता गायब हुई है। उसके अंदर साइकिल बच्चे का है, हमारे दो बच्चे जाने वाले, एक बच्चा फिर गायब हुआ, साइकिल गायब। स्कूल में से? कौन सा स्कूल से? मॉल लाइट। कब गायब हुई है? सोमवार में। स्कूल से ही गायब हुई सर। दे दो बच्चा साथ में गया था, एक छोटा बड़ा, तो ये स्कूल में पहुंच गई थी। जाने के बाद में ये छोटा छोटा खेलने लगा, फिर लड़की भी खेल रहा था। इसके बाद में पता ना वो कहाँ गायब हो गई। कहाँ आपको? पुलिस ने कह रहा था, बोले हम तुम्हारी ढूंढ के देंगे लड़की, कोशिश करूँगा। अब ले तो कोई ना गया सर। कितने दिन से गायब है ये? 6 दिन हो गए सोमवार से। कोई अता पता नहीं है? कोई अता पता नहीं है सर। लड़का ने भी सब में ढूंढ के आया, जहाँ बताया ये लोग ठिकाना दिया मुंशी, उन भी गया था, उन भी नहीं है लड़की। उस नाम की कोई है ही नहीं सर। हमने थाने में भी सर कई बार हमने फोन भी कर लिया थाने में भी, बोले हमारी लड़की की कोशिश करो, कुछ सुनाई ना आ रही है। कोई ना जाता सब बुझने, भट्टे पे भी कोई ना जाता, स्कूल वाले भी सब बैठी पड़ी है, मास्टर भी बैठ रही है। ठीक।